ये तो लिखा है उसका जो इनके बनाने वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है बन चुका है। हाँ जी। और उसमें डॉक्टर की नियुक्ति के संबंध में हाँ गाँव आई है काफी आपसे मिलने के लिए, क्या समस्या है, क्या समस्या? हाँ, जैसा आप यहाँ पर उपस्थित भी थे अभी थोड़ी देर पहले, इनकी समस्या है जो आवारा गोवंश जो है छुड़ा हुआ है, और इनका कहना यह है कि इनके अपना नहीं है बल्कि पड़ोसी गांवों का है। निश्चित रूप से इन्होंने कहा है कि जो छोड़े उन पर जुर्माना लगना चाहिए और इनकी व्यवस्था होनी चाहिए विलम्ब। इसमें अभी जिलाधिकारी महोदया से बात हो जाएगी और उनके संज्ञान में भी साहब प्रधान जी ने पहले से उनको बात किया हुआ है। उन्होंने यही मुझसे कहा है कि उनको समझाइए कि दो तीन दिन के अंदर उनकी व्यवस्था कराते हैं, वही मैंने इनको आश्वासन दिया है। और जल्दी से इन्होंने एक ऑप्शन बताया कि सौरपुर जो वहाँ पर गौशाला खुली नई बनी है उसकी क्षमता काफ़ी है और इन पशुओं का वहाँ पर समाधान हो सकता है। और साथ में गौशाला की बात रही है, गांव की कुछ गौशाला रोडों पर भी घूम रहे हैं, उनका क्या जो कुछ गोवंश जो है कहाँ, अब ये पर्टिकुलर बताएं तो निश्चित रूप से उस पर बताइए किस साइड में वहाँ के संबंधित SDM से बात करके नहीं है, जो डॉक्टर्स हैं उनकी व्यवस्था कराई जाएगी। चौधरी इंद्रपाल, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। क्या बात है, कलेक्ट्रेट पर? कलेक्ट्रेट पर हमारे गांव में लगभग 200-250 आवारा पशु हैं, जिनसे फसल के साथ साथ जान का भी खतरा बना हुआ है। दो आदमी मर चुके हैं, दो महिलाएं घायल हैं, एक आदमी 8 दिन पहले मारे थे उन्होंने। हमारे गांव से 36 बिरादरी के आदमी आए हुए हैं, न कि किसान आ रहे, सड़कों पर घूम रहे, कंटे पर 80 डंगर हैं इस वक्त, जाकर मुक्का मुआवना करो। एक बिजार उनमें ऐसा बुग्गी देता हमारे किसानों को भी। गौशाला नहीं है गांव में, बंजर भूमि नहीं है, और बाहर के गांव वाले हमारे यहाँ रेत बालू खनन में आवे हैं, बुग्गियों के बांधला में वे छोड़ जा, कोई रोक रोकाट नहीं हो रही, बार बार किसान दिवस में बाट ठाई जा। अगर आज समस्या का हल नहीं हुआ तो कल कलेक्ट्रेट में डंगर किसान यूनियन द्वारा फंसा दिए जाएंगे जबरदस्ती। जिला अध्यक्ष का भी आदेश है हमारे।